सॉरी पिछला लेक्चर कट हो गया सी, इस करके हम अब इसका पार्ट टू कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट पिछले लास्ट लेक्चर विच आपां उसका मीनिंग देखिया सी कि मीनिंग क्या कहिंदे आ, इद्दत दा क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इद्दत, कि इद्दत एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है काउंट, कि काउंट करना। अब इद्दत कहते कैसे हैं, इद्दत मीन्स कि जब हस्बैंड ने जहाँ तो डेथ होगी या फिर हस्बैंड ने क्या किया तलाक दे दिया, ठीक है, हस्बैंड ने तलाक दे दी अपनी वाइफ नू, जहाँ तो विडो होगी या फिर वो कि डायवोर्स वाइफ होगी, तो जितना टाइम पीरियड एक मेनटेन करके रखा है ऑब्जर्व करने के लिए उसे बोलते हैं ऑब्जर्व इद्दत, सो दैट कि नेक्स्ट मैरिज से पहले जितना पीरियड एक माना गया है उसे बोलते हैं ऑब्जर्विंग इद्दत, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि अमीर अली सेज दैट कि इट इज़ एन इंटरवल है, कि एक इंटरवल होंदा कि विच द वोमैन इज वॉन्ट है टू ऑब्जर्व बिटवीन द टर्मिनेशन, कि जब उसका रिलेशन टर्मिनेशन है, अब मैरिज टर्मिनेट कैसे होगी, या तो हस्बैंड की डेथ होगी या फिर उसका किया तलाक दे दिया अपनी वाइफ को, डायवोर्स दे दिया सॉरी। एंड उसके बाद कि वन ऑफ द मैट्रिमोनियल अलायंस, कि जो उसका रिलेशन था वो खत्म हो गया, जहाँ तो डेथ के साथ होगा या फिर डायवोर्स के साथ, एंड टू कमेंसमेंट अनदर, एंड नवा रिलेशन शुरू करने से पहले जो बिटवीन टाइम पीरियड रखा जाता है उसे बोलते हैं इद्दत। सो उम्मीद है आपको इद्दत का मीनिंग समझ लगा होगा। उसके बाद अब वो करते हैं कि इद्दत का ऑब्जेक्ट क्या है। इद्दत के ऑब्जेक्ट की बात करें तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द इद्दत इज टू असर्टन द पटर्निटी, कि एक पटर्निटी नू असर्टन करना कि ऑफ ए पॉसिबल कंसेप्शन बाय हर फॉर्मर हसबेंड। सो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, कि ऑब्जेक्ट यह है इद्दत का कि टू असर्टन करना पटर्निटी, पटर्निटी की है कि जो उसकी फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को टेस्ट करना कि जो वाइफ या डायवोर्स वाइफ कह लो या विडो आ कि वो प्रेगनेंट नहीं, अगर वो जो वोमेन प्रेगनेंट है कि वैदर उसका जो फादर, फादर कौन होगा उस बच्चे का, उस चीज़ को चेक करने के लिए इद्दत को ऑब्जर्व किया जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो हस्बैंड है वाइफ है, जहाँ तो हस्बैंड की क्या हुई बाय डेथ से टर्मिनेशन होगी मैरिज, या फिर क्या हुआ हस्बैंड ने डायवोर्स दे दिया, राइट। अब वाइफ ने क्या करनी है, ऑब्जर्विंग इद्दत करनी है, राइट, क्या करनी है ऑब्जर्विंग इद्दत करनी है। हम जब वाइफ वो जहाँ तो विडो है जहाँ डायवोर्स वाइफ है उसने ऑब्जर्व इद्दत करनी है, तब ये देखा जाएगा कि उसकी जो वोम है उसमें बच्चा तो नहीं है, अगर वो वोमेन कह लो प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे का जो उसकी वोम में चाइल्ड है उसका फादर कौन होगा, उस चीज़ को सर्टन करने के लिए, पटर्निटी को सर्टन करने के लिए इद्दत को ऑब्जर्व किया जाता है। और ए मेन ऑब्जेक्ट है इद्दत का कि असर्टन द पटर्निटी ऑफ पॉसिबल कंसेप्शन, ठीक है, असर्टन द पटर्निटी, कि पटर्निटी नू असर्टन करना है, पटर्निटी असर्टन द पटर्निटी ऑफ पॉसिबल कंसेप्शन, ठीक है जी, कि इस चीज़ नू असर्टन करना है, इस चीज़ नू इंश्योर करना कि उस बच्चे का फादर कौन होगा, इस करके ही इद्दत नू ऑब्जर्व किया जाता है कि कलों फ्यूचर दे विच ये कन्फ्लिक्ट ना आवे कि उस चाइल्ड का जो बेबी बॉर्न बाद विच होगा उसका फादर कौन है, पटर्निटी कौन है, इस चीज़ नू असर्टन कर ली, इंश्योर कर ली, इद्दत नू ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है जी। हुण जिदा मान लो कि जां तो हसबैंड की डैथ होगी या फिर उसने डायवोर्स दे दिया, ठीक है जी। हुण वाइफ मान लो नैक्सट डे या विद इन 10 डेज 20 डेज दे क्या कर लेती है, मैरिज कर लेती है किसी अनदर पर्सन के साथ, पर अब ये तो सर्टन ही होगा है ना कि जो उसकी वूम में चाइल्ड होगा वो फॉर्मर हस्बैंड से है या जिससे उन्होंने मैरिज की है इसका है, तो पटर्निटी नहीं सर्टन हो गया ना, उस पटर्निटी को सर्टन करने के लिए ही कुछ टाइम पीरियड गैप दे दिया जाता है, सो दैट कि पटर्निटी का सर्टन हो सके, सो दैट कि ये पता लग सके कि वो वोमैन जो डायवोर्स वोमैन है वो प्रेगनेंट है, अगर प्रेगनेंट है तो वो चाइल्ड उसके फॉर्मर हस्बैंड से है या फिर जो, इसलिए ही एक तरह की असर्टन की जाती है पटर्निटी, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये मेन ऑब्जेक्ट है
कि पटर्निटी को असर्टन करना है सो डैट कि उस बच्चे की पटर्निटी का पता लग सके। ठीक है जी, सो ये सी अपना ऑब्जेक्ट। हुण इस तो पहला आपां मीनिंग कर लिया, मीनिंग क्या है कि इधर एक अरबिक वर्ड है विच मीनस है काउंट। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट क्या है कि असर्टन करना द पटर्निटी ऑफ पॉसिबल कंसैप्शन। हुण असर्टन पटर्निटी क्यों करना, इसलिए एक टाइम पीरियड नूं गैप रखा जाता है कि पता लग सके कि जो उस मदर की वूम में चाइल्ड है क्या उस फॉर्मर हस्बैंड से है जिससे उसका तलाक हुआ है जहाँ बाय डाइवोर्स जहाँ बाय डेथ। इस चीज़ को असर्टन करने के लिए जहाँ फ्यूचर एक तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस आएगी उसको रिमूव करने के लिए इद्दत का पीरियड को ऑब्जर्व किया जाता है। ये मेन ऑब्जेक्ट है इद्दत का। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ लगा होगा। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्यूरेशन, कि इद्दत की ड्यूरेशन क्या रहेगी, कि कितना टाइम पीरियड वाइफ को इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ेगा। राइट, अब ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कितनी ड्यूरेशन रहेगी। राइट, सो सबसे पहले बात करते हैं इद्दत ऑफ विडोहुड। विडोहुड मीन्स है कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। सो व्हेन ए पर्सन डाई लिविंग ए विडो शी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द मैरिंग बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ 4 months 10 days। सो मीन्स जिसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, डेथ के नाल जो उसकी मैरिज टर्मीनेट हुई है उस विडो नूं रोकिया गया है 4 months 10 days 4 months 10 days वो किसी होर परसन रीमैरिज नहीं कर सकती। सो मैं थानू एक चार्ट के थ्रू प्रॉपर समझा दिना। इतने पहला तो है वैलिड मैरिज की बात करते हैं। तुसीं आ चार्ट दे नाल ईजी तरीके दे नाल समझ सकते हो, इस करके तुसीं चार्ट जरूर बना लेना जां फिर तुसीं गूगल तो होर चार्ट्स भी अवेलेबल बहुत ने जो ईजी से आपको एक्सप्लेन किया, वहाँ से भी आप वेख सकते हो। बिफोर कॉन्जूमेशन कि हस्बैंड वाइफ में किसी तरह के कोई फिजिकल रिलेशन बने ही नहीं। राइट, एंड आफ्टर कॉन्जूमेशन। इस चार्ट से आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है जी, बिफोर कॉन्जूमेशन पहले देखना है कि कैसे डिसोल्यूशन हुई है, बाय डेथ या फिर बाय डाइवोर्स। अब अगर तो बाय डेथ हुआ है, ठीक है जी, अगर तो बाय डेथ है तब तो 4 months 10 days का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व वाइफ को करना पड़ेगा, जो बात हमने पहले की है। ठीक है जी, 4 months 10 days। ठीक है, यही पढ़ा था हमने कि वेन ए पर्सन डाई, कि जो पर्सन की डेथ हो जाती है और लिविंग ए विडो, कि अपनी वाइफ जो थी उन विडो हो गई, हूँ शी प्रोहिबिटेड उन रोकया गया है कदों तक, फ्रॉम द मैरिंग बिफोर द एक्सपायरी पीरियड 4 months and 10 days। सो जितना टाइम पीरियड जो इद्दत होगी उतना टाइम वाइफ क्या है कि वो रीमैरिज नहीं कर सकती। ठीक है जी, जो ऑब्जेक्ट था आप इस ऑब्जेक्ट में क्या है, 2 points लिख सकते हो आप इस ऑब्जेक्ट में, मेन में 2 points आप लिख सकते हो। सबसे पहले तो ये है कि वाइफ को रिक्वायर है उसने लिव ए प्योर एंड सिंपल लाइफ, कि वाइफ ने क्या करना है, लिव प्योर एंड सिंपल लाइफ, कि वाइफ को रिक्वायर है उसने प्योर एंड सिंपल लाइफ रहना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि शी कांट री मैरिज, वो कांट री मैरिज नहीं कर सकते ड्यूरिंग दिस पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो जितना पीरियड इद्दत का रहेगा इस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड जो जहाँ तो विडो है या फिर डाइवोर्स वाइफ है वो री मैरिज नहीं कर सकती। सो जे ऑब्जेक्ट के दो मेन पॉइंट्स है कि उसे लिव प्योर एंड सिंपल लाइफ रहना है, एंड दूसरा शी कांट री मैरी ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसको एक्सप्लेन हमने जहाँ पर ड्यूरेशन में भी किया है। ठीक है जी,
तो वैलिड मैरिज क्या है कि बिफोर कॉन्सुमेशन बाय डेथ, अगर डेथ होती है तो डेथ होती है तो मगर क्या छोड़ेगा, अपनी विडो छोड़ के जाएगा, वाइफ क्या होगी, विडो होगी, तो इसलिए 4 मंथ 10 डेज जो विडो होगी राइट वो रीमैरिज नहीं कर सकती। अगर डायवोर्स है तो फिर कोई इद्दत ऑब्जर्व नहीं करनी। इसका क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न कि बाय डायवोर्स बिफोर कॉन्सुमेशन इद्दत ऑब्जर्व नहीं करनी। हुण जहाँ पर क्या है, बिफोर कॉन्सुमेशन, बिफोर कॉन्सुमेशन के उनमें किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई, अगर तो बाय डेथ है, अगर तो हस्बैंड की डेथ ही होगी तो कौन बताएगा, तो वो तो कोई नहीं बताएगा। सो इस करके चेक करने के लिए उन्हें इद्दत ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा 4 मंथ 10 डेज सो दैट कि पता लग सके, असर्टेनमेंट हो सके पटर्निटी की राइट। अगर बाय डायवोर्स है तब तो हस्बैंड बता ही देगा, हस्बैंड तो जिंदा है, हस्बैंड तो लिविंग है, वो बता देगा कि हमारे बीच तो ऐसा कुछ हुआ है। अगर कुछ हुआ है नहीं तो फिर इद्दत ऑब्जर्व करने का मतलब ही क्या है, जब हमने ऑब्जेक्ट किया था, इद्दत ऑब्जेक्ट करने का पर्पज़ क्या था, असर्टेनमेंट ऑफ द पटर्निटी, यही था कि आप असर्टन करना है पटर्निटी नू। तो ज़्यादा हस्बैंड ही बता देगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो फिर इद्दत ऑब्जर्व करने का तो पर्पज़ ही नहीं रहता। सो इस करके जहाँ पर कोई इद्दत ऑब्जर्व नहीं करना। अब आता है आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन, आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन सेम बाय डेथ बाय डायवोर्स, आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन दे अगर बाय डेथ हुई है तो बाय डायवोर्स है तब कितना पीरियड ऑब्जर्व करना है, तब डेथ हुआ तो सेम 4 मंथ 10 डेज एंड अगर डायवोर्स हुआ तो 3 मंथ का पीरियड जो है इद्दत का ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप इस चार्ट को जरूर बना लेना, आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर बुक से पढ़ोगे, बुक्स में दिया गया है, नो डाउट प्रोवाइड किया गया है, सब कुछ बताया है, पर बुक से समझना आपको डिफ़िकल्ट होगा। सो इस करके आप इस चार्ट को बना लेना। अगर आपने ये चार्ट नहीं बनाता, आपको गूगल से और भी अच्छे अच्छे चार्ट मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देखकर बना लेना ठीक है। पर जहाँ पर आपको बहुत इजी तरीके से समझाया गया है राइट। सो ये था फर्स्ट पॉइंट। अब उसके बाद बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज की, कि वॉइडेबल मैरिज में क्या होगा। इद्दत व्हेन मैरिज इरेगुलर, इफ़ द मैरिज इरेगुलर, इरेगुलर मीन्स वॉइडेबल एंड पार्टीज हैव सेपरेटेड बिफोर एक्चुअल कम्युनिकेशन कॉन्जुमेशन, क्यों उनमें इद्दत ना कुछ होया ही नहीं, कॉन्जुमेशन नहीं हुई, तो देर इज ए नो नीड टू ऑब्जर्व इद्दत ठीक है जी। इफ़ द कॉन्जुमेशन हैज टेकन प्लेस देन वाइफ वाउंड एयर टू ऑब्जर्व करना इद्दत। हम मैं थानू इतने बिल्कुल सिंपल तरीके फिर समझा, वॉइडेबल मैरिज, वॉइडेबल मैरिज भी तुसी कह सकते हैं, इरेगुलर मैरिज भी तुसी कह सकते हैं राइट। हुण वॉइडेबल मैरिज सेम वही प्रोसैस होगा फॉलो, बिफोर कॉन्जुमेशन आफ्टर कॉन्जुमेशन, ठीक है जी। बिफोर कॉन्जुमेशन फिर सेम बाय डेथ बाय डायवोर्स। अगर वॉइडेबल मैरिज है तो चाहे बाय डायवोर्स है और डेथ है, नो नीड टू ऑब्जर्व इद्दत, जहाँ पर किसी तरह की इद्दत को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे डेथ हुआ है या फिर बाय डायवोर्स है, टर्मिनेशन हुई है मैरिज, जो है कि मैरिज टर्मिनेट डिसॉल्व हुई है, चाहे बाय डेथ है बाय डायवोर्स, नो नीड टू ऑब्जर्व इद्दत। आफ्टर कॉन्जुमेशन बाय डेथ हुई है ठीक है जी, या फिर बाय डायवोर्स, तो इन दोनों केसों में 3 मंथ का पीरियड जो है इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ेगा, 3 मंथ की जो इद्दत है वो ऑब्जर्व करनी पड़ेगी दोनों ही केसों में 3 मंथ राइट। सो आप चार्ट जरूर बना लेना। बाकी जो थ्योरी थी वो भी मैं आपको पढ़ाती कि इफ़ द मैरिज इरेगुलर, मैरिज ऐसे वॉइडेबल है ठीक है जी, एंड पार्टी हैव सेपरेट बिफोर एक्चुअल कॉन्जुमेशन, कि बिफोर कॉन्जुमेशन है ठीक है जी, हम कॉन्जुमेशन देर इज ए नो इद्दत, सो इसलिए कह, चाहे बाय डेथ है बाय डायवोर्स है, इसलिए कोई इद्दत ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू ऑब्जर्व इद्दत
राइट। उसके बाद इफ द कंज्यूमेशन हैज़ टेकन प्लेस, अगर कंज्यूमेशन होंगी आफ्टर कंज्यूमेशन, देन क्या है, देन 3 मंथ जो कंज्यूम जो थी इद्दत उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। राइट, अब थे 2 पॉइंट हमारे हो गए, एक हो गया वैलिड मैरिज का, दूसरा है वॉइडेबल मैरिज का। अब उसके बाद 3रा पॉइंट है वॉइड मैरिज के केस में, कि अगर मैरिज वॉइड हुई तब क्या होगा। वॉइड मैरिज, राइट, सेम फिर प्रोसेस बिफोर कंज्यूमेशन, आफ्टर कंज्यूमेशन, राइट, बिफोर कंज्यूमेशन आफ्टर कंज्यूमेशन, बाय डायवोर्स चाहे बाय डेथ कह लो, बाय डेथ, बाय डायवोर्स, ठीक है जी। ये विच नो नीड टू ऑब्जर्व इद्दत, क्योंकि इसका मेन कारण, मेन इशू ये है कि मैरिज ही वॉइड है। अगर मैरिज का कोई स्टेटस ही नहीं है, अगर मैरिज की कोई लॉ के आइस में या मुस्लिम पर्सनल लॉ के आइस में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसका इद्दत ऑब्जर्व करने का कोई बेनिफिट नहीं। सो हमने अपने ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना, हमें अपने ऑब्जेक्ट को माइंड में फिट करके रखना होगा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, कि क्या असर्टन करना था पटर्निटी को, असर्टनमेंट ऑफ पटर्निटी, तो पटर्निटी तो तभी असर्टन होगी अगर मैरिज वैलिड है, ठीक है जी। क्योंकि ये बात हमने जब इंट्रोडक्शन की, मैंने आपको तब भी बताया था कि जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट है, प्योरिटी ऑफ ब्लड, अडॉप्शन के कंसेप्ट को तो मुस्लिम लॉ मानता ही नहीं है। सो इस करके अगर मैरिज की कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, तो फिर इद्दत ऑब्जर्व करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। सो इस करके नो नीड टू ऑब्जर्व इद्दत। सो सेम ही आफ्टर कंज्यूमेशन भी, बाय डेथ, बाय डायवोर्स, ठीक है। तो इतने भी नो नीड टू ऑब्जर्व इद्दत, क्यों, क्योंकि कोई स्टेटस ही नहीं है। अगर कोई मैरिज का स्टेटस हो तो तभी इद्दत ऑब्जर्व करने का बेनिफिट है, मैरिज का कोई स्टेटस ही नहीं है तो इस करके इद्दत ऑब्जर्व करने का कोई बेनिफिट नहीं है। सो इसलिए वर्ल्ड मैरिज वाली, जो वर्ल्ड मैरिज होती है, उस वाइफ के पास ज़्यादातर कोई मोस्ट ऑफ राइट्स भी नहीं होते, ना इनहेरिटेंस क्लेम कर सकते हैं। हाँ, जब आफ्टर कंज्यूमेशन है तब मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है वर्ल्ड मैरिज वाली वाइफ मुस्लिम लॉ में, वो भी 125 के अकॉर्डिंग सेक्शन CRPC। अदरवाइज वर्ल्ड मैरिज की वाइफ के पास कोई ऐसा सच राइट्स ड्यूटीज नहीं है, क्योंकि कोई मैरिज का स्टेटस ही नहीं है, नो स्टेटस ऑफ मैरिज, ठीक है, कोई स्टेटस ही नहीं है मैरिज का। नो स्टेटस ऑफ मैरिज, कि मैरिज का कोई स्टेटस ही नहीं है, तो मैरिज का कोई स्टेटस ही नहीं है तो इद्दत ऑब्जर्व करने का कोई बेनिफिट नहीं है। राइट, तो ए सी हमारे कुछ जो मैरिज के रिगार्डिंग ड्यूरेशन और पीरियड था, मुझे उम्मीद है आपको समझ लगा होगा। वैलिड मैरिज का किया, उसके बाद वॉइडेबल मैरिज का, देन हमने किया वॉइडेबल मैरिज को इरेगुलर मैरिज भी बोल दिया जाता। और एक कंसेप्ट जो वॉइडेबल मैरिज का है, ये ओनली सुन्नी में है, ओनली इन सुन्नी, नॉट शिया, ये ओनली इन सुन्नी में है, नॉट इन शिया, क्योंकि शिया वाले सिर्फ शिया में जान तो, सॉरी, जो वॉइडेबल, मैं जहाँ पर आपको लिख देता हूँ, शिया में ओनली जान तो मैरिज वैलिड होगी या फिर वॉइड मैरिज होगी, शिया में वॉइडेबल का या इरेगुलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। मगर सुन्नी में ये कॉन्सेप्ट है, वॉइड का भी कॉन्सेप्ट है, वॉइडेबल का, जिसे हम इरेगुलर मैरिज बोलते हैं, और वैलिड का, राइट। जब हम मैरिज का टॉपिक करेंगे तब हम ये पॉइंट्स वहाँ पर कवर करेंगे, कि सुन्नी में वैलिड और वॉइड मैरिज है,
सॉरी सुन्नी में वैलिड, वॉइडेबल एंड वैलिड तीन कॉन्सेप्ट हैं, थ्री कॉन्सेप्ट चलते हैं सुन्नी में, वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड, एंड शिया में ओनली जहाँ तो मैरिज वैलिड होगी या फिर वॉइड होगा, इसमें इरेगुलर वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब मैरिज का हम टॉपिक करेंगे तब ये पॉइंट वहाँ पर कवर हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगे, कि जो वाइफ है उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या रहेंगे उसकी बात करते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ड्यूरिंग ऑब्जर्विंग इद्दत, कि जब वाइफ ने इद्दत को ऑब्जर्व किया, जितना हमने टाइम पीरियड किया उस पीरियड के दौरान राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगी उसके बारे बात करते हैं। सो सब तो पहला इसमें है कि इफ द वाइफ ऑब्जर्व इद्दत देन हस्बैंड बॉन्ड टू मेनटेन द वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। सो सब तो पहला वाइफ तो की राइट्स आ वो मेनटेनेंस क्लेम कर सकती है, मेनटेनेंस क्लेम, राइट। तो सब तो पहला वाइफ तो राइट है मेनटेनेंस नू की कर सकती है, क्लेम कर सकती है, जहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि हसबैंड की ड्यूटी आ, हसबैंड बॉन्ड है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत कि अपनी जो वाइफ है जो फॉर्मर वाइफ है उसनू मेनटेन करना होगा। मुस्लिम परसनल लॉ तो जो यूनिफॉर्म लॉ अपना CRPC है वो डिफरेंस रहता है। मुस्लिम परसनल लॉ विच ओनली जो हसबैंड आ वो बॉन्ड आ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत मेनटेन करना अपनी वाइफ को, लेकिन जो यूनिफॉर्म लॉ है CRPC आ उस विच जो फॉर्मर वाइफ है वो इद्दत तो आफ्टर भी जो मेनटेनेंस नू क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि सैक्शन 125 CRPC विच विडो वाइफ वर्ड यूज़ किया है, ठीक है जी, सॉरी डायवोर्स वाइफ वर्ड यूज़ किया है। सो इस करके अकॉर्डिंग टू सैक्शन 125 CRPC कि जो डायवोर्स वाइफ है उत्थे मेनटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, पर मुस्लिम परसनल लॉ विच ओनली जो हैगी है कि बिफोर या ड्यूरिंग पीरियड ही मेनटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। जब आप मेनटेनेंस का चैप्टर करेंगे वहाँ पर ये पॉइंट कवर हो जाएगा, जो देख सकते अंडर मुस्लिम परसनल लॉ। इहदे विच हैगा ओनली ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, राइट, कि ओनली ड्यूरिंग इद्दत पीरियड ही तुसीं कर सकते हैं, पर अंडर CRPC आफ्टर इद्दत, कि इद्दत तो बाद भी तुसीं जो मेनटेनेंस है वो क्लेम कर सकते हैं। एक डिफरेंस चलता है जो आपां मेनटेनेंस जब टॉपिंग करेंगे तब जे पॉइंट को जरूर कवर करेंगे, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें कि द वाइफ कांट मैरी अनदर अंटल कंप्लीशन ऑफ इद्दत। ये बात हमने जब ऑब्जेक्ट किया था तब भी की थी कि वाइफ दी ड्यूटी है कि कांट री मैरिज, कि शी कांट री मैरी, राइट, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इद्दत। कि जब तक इद्दत का पीरियड है तब तक जो वाइफ है वो रीमैरिज नहीं कर सकती। पहला पॉइंट सी कि जो वाइफ है वो इद्दत के पीरियड दौरान मेनटेनेंस क्लेम कर सकते हैं मुस्लिम परसनल लॉ विच, अगर उसने इद्दत तो बाद ऑब्जर्व करनी है तो सॉरी मेनटेनेंस क्लेम कर दी है तो उसनों CRPC की हेल्प लेनी होगी जो आप मेनटेनेंस के कवर करांगे। उस तो बाद शी कांट रीमैरिज नहीं कर सकती ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। दैन उस तो बाद हैगा है कि द जो वाइफ है बिकम इंटाइटल डेफर्ड ओवर, जो वाइफ है वो कि डेफर्ड ओवर क्लेम कर सकती है डेफर्ड ओवर। हम डैफर डावर की होंगी है ये आप डावर के टॉपिक कवर करा। डैफर डावर, डावर नॉर्मली दो तरह की होंगी, एक प्रोम्प्ट डावर होंगी एक डैफर डावर होंगी है। इतने मैं थोड़े के लिए दस देना, प्रोम्प्ट डावर होंगी है जो एट द टाइम एट और बिफोर मैरिज तो होंगी है, एट और बिफोर मैरिज होंगी, एंड सैकेंड होंगी है जी डैफर डावर है। डैफर डावर ये एट स्पैसीफिक ईवेंट पर दिती जाती है, कोई स्पैसीफिक ईवेंट, राइट, स्पैसीफिक ईवेंट लाइक जिस तरह डायवोर्स हो गया, ठीक है जी, लाइक डायवोर्स। सो ए सी जो वाइफ आ वो डेफर्ड ओवर भी क्लेम कर सकती है। उस तो बाद की है नैक्सट पॉइंट, राइट। अब नैक्सट पॉइंट ये है कि इफ द डायवोर्स इज प्रोनाउंस इन डैथ इलनेस द हसबेंड डाई बिफोर कंप्लीशन ऑफ वाइफ इद्दत द वाइफ इज़ एंटाइटल इनहेरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। सो मीन्स टू से कि
अगर हस्बैंड की डैथ हो जाती है कि वह डैथ इलनैस के कारण, तो हस्बैंड की डैथ होगी तो इद्दत दो जो जितना पीरियड इद्दत सी, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वैलिड मैरिज लिए कितना पीरियड इद्दत सी 4 months 10 days। हस्बैंड की जो डैथ हो जाती है मान लो कि डायवोर्स उन्हें की दिता, उन्हें डायवोर्स दिता सी, डिसोल्यूशन हुई मैरिज जो बाय डायवोर्स दे थी, ठीक है जी। पर हस्बैंड की डैथ होगी, हस्बैंड की डैथ होगी ड्यूरिंग इद्दत। हुण जो मैरिज टर्मीनेशन हुई है वह तो बाय डायवोर्स हुई है, क्योंकि जिस टाइम डायवोर्स दिता उस टाइम तो हस्बैंड जी ही करके डायवोर्स होया। पर जिन्ना टाइम इद्दत सी, ऑब्जर्व इद्दत सी 4 months 10 days फॉर एग्जाम्पल वैलिड मैरिज, राइट, हस्बैंड की डैथ हो जाती है। हुण हस्बैंड की डैथ होगी तो जिहड़ी वाइफ आ वह इनहेरेंट क्लेम कर सकती है, वाइफ इनहेरेंट क्लेम कर सकती है, वाइफ कैन इनहेरेंट, ठीक है जी, कि वाइफ इनहेरेंट क्लेम कर सकती है फ्रॉम हस्बैंड की प्रॉपर्टी चो, वह हस्बैंड की प्रॉपर्टी चो इनहेरेंटस जो है उसनू क्लेम कर सकती है, ठीक है। ये 4 points मेन सी। अब लास्ट पॉइंट जो है डेफर्ड आवर हो गया। सो यही 4 points मेन जो पॉइंट रहिंदे ने अपने इद्दत दे नाल चलते हैं, ठीक है जी। 4 points है, सब तो पहला की करना कि जो वाइफ है जो फॉर्मर वाइफ है वो डावर क्लेम मेनटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड तो, उस तो बाद की आ कि वह रीमैरिज नहीं कर सकती जितना टाइम पीरियड ऑफ इद्दत का है, उसके बाद डेफर्ड आवर क्लेम कर सकती है, एंड लास्ट कि इनहेरेंटस क्लेम कर सकते फॉर्मर अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी जो अगर हस्बैंड की डैथ होगी पीरियड ऑफ इद्दत, ठीक है जी। तो हूँ एक लास्ट पॉइंट है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड की, पीरियड कदों कमेंसमेंट मनिया जाऊगा। कमेंसमेंट ऑफ पीरियड हम थानू एक एग्जाम्पल दिखाना, हस्बैंड आ जो तलाक प्रोनाउंस करता, जहाँ तो तलाक प्रोनाउंस करता मान लो 30 May 2023, जां फिर तलाक प्रोनाउंस करता जां फिर की हो जाती डैथ हो जाती, जां इदा कह लो डायवोर्स हो गया जां डैथ हुई, ठीक है जी। 30 June 2013 है ना, 30 June 2023 हुई है, राइट। उसके बाद पर वाइफ नू जो वाइफ की नॉलेज बच्च आया, वाइफ नू पता लगा, वाइफ की नॉलेज बच्च कब आया, 30 June 2023 नू, ठीक है जी। हस्बैंड ने जां तो डायवोर्स दिया जां हस्बैंड की डैथ हुई 30 June 2023 नू, ठीक है जी। पर वाइफ नू नॉलेज बच्च आया 30 June नू जाके 30 June 2023 नू, ठीक है जी। 30 March 2023 नू हस्बैंड ने डायवोर्स दिंदा जां फिर हस्बैंड की डैथ होंदी आ, जां फिर सॉरी मैं पहला शायद गलत बोल गया हाँ, 30 March नू हस्बैंड ने डायवोर्स जां फिर डैथ होंदी आ, तो वाइफ नू जो पता लगता 30 June यानी कि 3 months बाद आफ्टर 3 months कि जो हस्बैंड नू वाइफ नू पता लगता। हुण क्वेश्चन ये आ कि जो पीरियड कमेंसमेंट होगा वह कदों तो मनिया जाऊगा, कमेंसमेंट पीरियड कब से माना जाएगा इद्दत का, तो इसका आंसर है इस डेट तो मनिया जाऊगा। जो कमेंसमेंट ऑफ पीरियड होगा इद्दत का कमेंसमेंट पीरियड होगा जब जब डायवोर्स हुआ और डैथ हुई। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वैलिड मैरिज के लिए 4 months 10 days का टाइम पीरियड था, है ना, वैलिड मैरिज के लिए कितना था, 4 months 10 days, राइट, यही टाइम पीरियड था। अगर मान लो 30 March 2023 को हस्बैंड ने जहाँ डायवोर्स दे दिया जहाँ फिर हस्बैंड की डेथ हो गई, बट जो वाइफ को पता लगता है, वाइफ को पता लगता है 30 September 2023 को, हुण अब तो पीरियड लंघ गया, अब तो पीरियड जो जितना था 4 months 10 days वो तो ख़त्म हो गया जहाँ पर पता लगता है, नॉलेज में आता है, तो क्या अब वाइफ को इद्दत ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। क्या अब वाइफ को इद्दत ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, अब तो टाइम पीरियड कलैप्स हो गया, जितना टाइम पीरियड था 4 months 10 days वो तो टाइम पीरियड निकल गया, वो तो टाइम पीरियड खत्म हो गया,
तो क्या अब वाइफ को ऑब्जर्व इद्दत करनी पड़ेगी? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपने माइंड में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को जरूर लेके आना कि ऑब्जेक्ट में क्या किया था हमने। ऑब्जेक्ट में क्या किया था? असर्टेनमेंट ऑफ पटर्निटी, ठीक है जी। अगर एक बात है कि मान लो कि वाइफ को नहीं पता लगता, नॉलेज में नहीं आता, जहाँ वाइफ को नॉलेज में 6 मंथ 7 मंथ के बाद पता लगता है, तो भाई अगर वाइफ प्रेग्नेंट हुई, वो वुमेन प्रेग्नेंट है, वो तो पता लग ही जाएगा, ठीक है, पटर्निटी तो सर्टन हो जाएगी। ये तो पता लग ही जाएगा जो उसकी वुमेन चाइल्ड है वो फॉर्मर हस्बैंड का है, जिसकी डेथ हुई है जहाँ जिसने डाइवोर्स दिया है, वो तो पता लग ही जाएगा। तो फिर भाई इद्दत का पर्पस क्या था, हमने ऑब्जेक्ट क्या किया था? यही तो किया था, असर्टेनमेंट करना पटर्निटी को। तो इसलिए अगर टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है और वाइफ को नॉलेज नहीं मिलती, उसके बाद लगता है मान लो कि 4 मंथ 10 डेज के, तब नो नीड टू ऑब्जर्व इद्दत, ठीक है जी, नो नीड ऑब्जर्व टू इद्दत, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गया, क्योंकि इद्दत ऑब्जर्व करने का पर्पज क्या था कि हमने पटर्निटी को सर्टन करना है। तो भाई अगर वाइफ को मीन्स 7 मंथ या 8 मंथ के बाद पता लगता है, तो अगर वाइफ वो प्रेग्नेंट हुई या वो वन प्रेग्नेंट हुई, वो तो पता लग ही जाएगा। तो जो पर्पज़ था कि सर्टनमेंट करनी पटर्निटी, वो तो हो ही जाएगा, पर्पज़ तो फुलफिल हो जाएगा। तो फिर अगर 6 7 मंथ के बाद पता लगता, तो तब ऑब्जर्व इद्दत ऑब्जर्व करने का क्या बेनिफिट, फिर तो कोई पर्पज़ ही नहीं रहा। हमने तो इद्दत इसलिए ऑब्जर्व की सो दैट कि हमें पटर्निटी का पता लगे, कि हम ये पता लग सके कि क्या वो वुमेन प्रेग्नेंट है उस हस्बैंड से जो फॉर्मर है उसका हस्बैंड या नहीं है, ये पता करना है। अगर 6 7 मंथ के बाद वैसे ही पता लगता, फिर तो नॉर्मली पता लग जाएगा कि वो वुमेन प्रेग्नेंट थी या नहीं है, तो फिर इद्दत ऑब्जर्व करने का क्या बेनिफिट। सो इसलिए अगर वाइफ को 4 मंथ जैसे टाइम पीरियड है वैलिड मैरिज के लिए, 4 मंथ 10 डेज के बाद पता लगता है, तो उसके बाद इद्दत ऑब्जर्व करने का कोई वैल्यू नहीं रहती, नो नीड टू ऑब्जर्व इद्दत। और ये क्वेश्चन मीन्स में पूछा गया है पंजाब एंड हरियाणा में, इस बात का ध्यान रखना। अपने माइंड से जो ऑब्जेक्ट है उसको कभी भी दूर जाने ना देना। कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो ऑब्जेक्ट को जरूर पकड़ कर रखना, उसको ध्यान में रख के फिर आंसर देना कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। इसलिए मैंने आपको ऑब्जेक्ट कराया है, यही बेनिफिट है ऑब्जेक्ट करने का। अगर आप ऑब्जेक्ट करोगे, आपको पता होगा कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको आंसर देने में इजी होगी, आसानी होगी। सो इस करके कभी भी आपका ऑब्जेक्ट मत छोड़ना। ऑब्जेक्ट कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना, पहले उसका ऑब्जेक्ट देखो कि ऑब्जेक्ट क्या है, फिर उसका आंसर करो, ठीक है जी। मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर टाइम पीरियड अलैप्स हो जाता है, मान लो फॉर एग्जांपल 4 मंथ 10 डेज, तो क्या वाइफ को इधर ऑब्जर्व करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी भाई, जो पर्पस था वो तो फिलफिल हो गया, हमने तो ये चेक करना था सर्टनमेंट ऑफ पटर्निटी, तब तो वैसे ही पता लग जाएगा कि वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है भाई। कोई भी आंसर देना है तो अपना ऑब्जेक्ट कभी मत छोड़ना, इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के फिर ही कोई आंसर देना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है असर्टनमेंट, सर्टन द पटर्निटी, पॉसिबल कंसेप्शन, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लगा होगा। अगर आपको नहीं समझ लगा तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, फिर भी नहीं समझ आई तो आप बता देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। पर जो भी करके आना पेपर में, समझ के करके आना, पढ़ के करके आना। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, अपना ऑब्जेक्ट मत छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन करते हो उसका ऑब्जेक्ट जरूर लिखना। बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, आप ऑब्जेक्ट लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। पेपर चेकर को होगा कि इसे क्लियर है, क्वेश्चन के बारे क्लियर है कि क्या आंसर करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू भाई।